मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का सपना साकार होते नजर आ रहा है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का जो सपना है, खासकर हर घर नल का योजना, आज पूरा होते नजर आ रहा है। वहीं मुंगेर के जमालपुर प्रखंड के अंतर्गत परहम पंचायत के वार्ड संख्या एक में वार्ड सदस्य प्रतिमा देवी एवं वार्ड सचिव भारत भूषण कुमार के द्वारा सीतारामपुर में सीको मंडल के निजी जमीन पर अतिरिक्त पेयजल मीनार का निर्माण कराया गया। वहीं इस मौके पर मुखिया तनिक पंडित भी मौजूद रहे। निर्माण पूरा होते ही जिला अधिकारी राजेश मीना के आदेश पर जमालपुर के प्रखंड विकास पदाधिकारी राजीव कुमार एवं अंचलाधिकारी शंभु मंडल के द्वारा नारियल फोड़कर एवं फीता काटकर जल मीनार का शुभारंभ किया गया। वहीं प्रखंड विकास पदाधिकारी राजीव कुमार ने बताया कि लगभग 80 घरों 80 परिवारों के कनेक्शन के लिए हमें जल प्रदाय के लिए परम बजट का वार्ड नंबर एक का ये टावर बनाया गया है। देख ही रहे हैं ये, मतलब वार्ड के प्रबंध समिति के द्वारा ग्राम पंचायत के सहयोग से बनकर तैयार है और यहाँ के निवासियों परिवारों को उनके लाभ के लिए उन्हीं को समर्पित कर दिया गया है। सबका यह उद्देश्य है कि सभी को सहयोग से इसको सुरक्षित करें और इसका जो भी अब एक शुल्क होता है 30 रुपये मासिक वो देकर, कभी भी इसको जब मेंटेनेंस जरूरत पड़ेगी, कभी बिजली बिल वगैरह देना है तो समर्पित है यहाँ के सभी जनता के लिए, जिनके लिए बना है उन्हीं के सुपुर्द किया गया है कि वो इनकी सुरक्षा भी करें, उनका लाभ उठावें। यह जल मीनार लगभग 80 परिवार के लिए बनाया गया है, जिससे किसी भी परिवार को पानी लेने में कोई दिक्कत ना हो। प्रत्येक परिवार से जल मीनार की देखरेख के लिए 30 रुपये प्रत्येक माह लिया जाएगा। अपना मुंगेर के लिए अभिषेक कुमार मिश्रा की रिपोर्ट। मुंगेर जिले से जुड़ी हर छोटी बड़ी खबर पर है हमारी पैनी नजर, तो जुड़िए अपना मुंगेर YouTube चैनल के साथ। पल पल की खबरों के लिए सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि यही है धड़कन मुंगेर की।